दोस्तों, मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ और मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे दोस्त एडमंटन से और उनके आगे दोस्त जो रिलीजियस प्रीस्ट हैं फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम आई थिंक फ्रॉम कैलकटा। आओ शिमला आओ इंट्रोड्यूस करते हैं और देखते हैं कि क्या मसला है। इमिग्रेशन का जो कोई मसला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन वी सी वी कैन सॉल्व सम प्रॉब्लम्स हियर। सो शंभुनाथ चौधरी मेरे साथ हैं एडमंटन में और आप हैं स्वामी विमोहानंद, राइट? करेक्ट, विमोहानंद फ्रॉम वैंकूवर बीसी, वैंकूवर में आप जी। नमस्कार सबको और बताएं कि क्या सिचुएशन है स्वामी जी, क्या है सिचुएशन, आप कैसे आए और आप क्या करना चाहते हो, कौन से वीजे पे हो, वर्क परमिट बताएं थोड़ा सा उसके बारे में, मैं अपने सजेशन अपनी राय दूंगा आपको। बताएं। या आई हैव कम यहाँ पे. मैं आई हैव बीन ऑफिशियली एम्प्लॉयड बाय दी विवेकानंद वेदांत सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया विच इज नाउ अ ब्रांच ऑफ द रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ इंडिया. या सो आई हैव जस्ट वहाँ पे मेरे को एयरपोर्ट में खाली एज अ पेपर बोल के जिसके आधार पर मेरे को हेल्थ कार्ड मिला एक्सेट्रा. दैट इज ओनली अ विजिटर्स रिकॉर्ड ऑफ क्लर्जी. सो ऑन दैट थोड़ा सा स्टॉप करेंगे यहाँ पर, जस्ट वी विल स्टॉप जस्ट एट एवरी स्टेटमेंट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या है। आपको आपने जो जो वीजा लिया था न्यू दिल्ली हाई कमीशन से, इज दैट अ विजिटर वीजा और डिड यू टेक अ LMIA exempt work authorization? आपको याद है आपके जो वेस्टर्न रिकॉर्ड में क्या लिखा है? Do you remember or can you see it right now if you may? Yeah, I can't see it right now. One second. देखें। I can see it and share it also. शेयर तो आप उसमें स्क्रीन पर नहीं कर पाएंगे आप, चलो पढ़ के बता दें आप स्क्रीन पर अगर Sure. होता, दैट्स ओके okay. आप मेरे को बस ऐसे ही बता दें उसको, उसमें लिखा क्या है, उसमें लिखा है कि ऑथोराइज टू वर्क। One second. So, I am reading from top. Date of issue दिया हुआ है New Delhi. Multiple entries. Document number दिया है. Category WX1 worker. गुड गुड, ठीक है, दैट्स ओके। उसके सबसे नीचे देखें, नीचे पे कुछ इसका नोटेशन लिखा हुआ है कॉमेंट्स, सबसे नीचे जो होता है जो सबसे नीचे लिखा हुआ है FPC. FPC लिखा हुआ है बस. ओके और उसमें लिखा है नीचे ऑथराइज्ड टू वर्क विदाउट वर्क परमिट और एनीथिंग टू डू रेस्ट टू वर्क नहीं। सो फॉर श्योर आपको जब आपने विजिट वीजा अप्लाई किया था तो इन्होंने जिन्होंने आपको इनवाइट किया है दे मस्ट हैव सेड इन दिस कि भी आप आएंगे यहाँ पर, आप कोई रिलीजियस सरमन देंगे या प्रीचिंग करेंगे, इज राइट? गुड। सो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये है क्या यहाँ पर, कैन यू सी माई स्क्रीन ऑन द, दिस इज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा, दिस इज फ्रॉम द IRCC वेबसाइट इटसेल्फ। रिलीजियस वर्क है, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। दो तरीके से यहाँ पर जो रिलीजियस वर्कर है, रिलीजियस वर्कर मतलब कि जो लोग प्रीचिंग करते हैं, जो सरमन देते हैं, तो दो तरीके से हम इनको काम करने की इजाज़त देते हैं जो कि इंडियन सरकार कह रही है। एक तो होता है जो वर्क परमिट एग्जेम्पशन, कि आपको वर्क परमिट की भी जरूरत नहीं है, जैसे कि आप हैं तो आपने अगर देखा होगा कहीं आपके सेक्शन उसमें कहीं लिखा होगा R186, जो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, शायद आई डोंट नो आई कैन हाईलाइट इट हियर, कैन यू सी, मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे, आप स्क्रीन पे देखिए मैंने दिखाया आपको, हाँ, R186 तो मेरे वीजा में कहीं लिखा नहीं है. नहीं लिखा आपके, नहीं उसको जो परमिट आपको जो इशू है विजिटर रिकॉर्ड इशू है उसमें कहीं लिखा है? ओ, उसमें तो वो तो देखना पड़ेगा. हाँ वो देख के बताएं, उसमें थैंक यू. शायद शायद दिखा हो कहीं। तो इसमें इसमें आप देखते रहे, इसमें है क्या कि जो रिलीजियस वर्कर्स हैं, रिलीजियस प्रीचर्स हैं, तो ये जब आते हैं बाहर से, इंडिया से आए आप, तो आपको कुछ महीने के लिए, 6 महीने के लिए यू गेट अ विजिटर रिकॉर्ड, बट आप यहाँ पर प्रीचिंग कर सकते हैं। प्रीचिंग मतलब कि आप लेक्चर दे सकते हैं उनको, आप जो आपको सिखाना है वो सिखा सकते हैं इनको, लेकिन इसके एवज में आपको कोई बहुत अच्छी, कोई बहुत अच्छी क्या, कोई आपको रेमुनरेशन या तनख्वाह नहीं मिलती, आपको जो रहने का खर्चा नहीं, वगैरह तनख्वाह मिलती है मेरे को. तनख्वाह तनख्वाह मिलती है सोसाइटी से. नहीं, वो एक अलग बात है। मैं आपको जो रूल्स बता, जो रूल्स है मैं आपको बता रहा हूँ आपको, आपको रूल्स देखें, जो जो असल में हो रहा है वो अलग बात है। मैं आपको थ्योरेटिकल चीज बता रहा हूँ कि सरकार क्या कह रही है, ठीक है? जैसे भी उन्होंने जो भी किया है, जैसे किया है, विच इज नॉट समथिंग आई वॉन्ट टू डिस्कस राइट नाउ, मैं तो बता रहा हूँ कि लॉ क्या कह रहा है। देखिए आपको
यहाँ पर आपको बता रहे हैं इसी हाँ, दो लिखा दो हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है वर्क एग्जेम्प्ट अंडर R186। देखिए बिल्कुल मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए, ठीक है। मैंने मैंने वहां पर लिखा हुआ है R-186-1। सो दूसरा जो तरीका है, जो दो तरीके हैं काम करने के लिए रिलीजियस वर्कर्स के लिए, दूसरा देखिए स्क्रीन पे, दूसरा है अंडर 205D। और इसमें क्या है कि LMIA चाहिए नहीं होता है, जैसे नॉर्मल वर्कर्स को LMIA होता है, तो इनको LMIA चाहिए नहीं होता, ये LMIA के बगैर ही वर्क परमिट ले सकते हैं, जो आपको अभी नहीं मिला है। आपको एक वेस्टर्न रिकॉर्ड पे आपको काम करने की वो इजाजत मिली है, लेकिन वर्क परमिट नहीं लिया है। सो दिस इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन दैट पीपल हैव टू मेक। जिन्होंने आपको बुलाया था, अगर वो पहले ही से सोच लेते कि हमें बुलाना है, आगे क्या करना है वगैरह वगैरह, सो दे कुड हैव मेड द राइट डिसीजन कि आपको R-186 के अंदर बुलाना है या 205D के अंदर बुलाना है। इतना क्लियर है, ये आपके सामने है। इसमें हम देख लेते हैं कि क्या है, चक्कर क्या है इसके अंदर। तो ये जैसे R-205D का इन्होंने पहले बताया कि R-02-205D में क्या होता है, तो आपकी प्राइमरी ड्यूटीज हैं, आपको ये करनी पड़ती हैं जो आप करते होंगे, जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेक्चर देते हैं, एडवांस करते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह से आप कर सकते हैं। अभी एक और देखिए, जैसे आप अभी आपके पास R-186 में आप 1 में आए, देखिए लिखा है, आप कनाडा में आए, आपको इनिशियल वीजा आपको 6 महीने का मिला है, 1 साल का, 2 साल का। 2 साल का जो वेस्टर्न रिकॉर्ड है, ठीक है। तो जब 2 साल खत्म हो रहे हैं या 6 महीने पहले या 3 महीने पहले, आप इसको कन्वर्ट करके इसको आप वर्क परमिट आपने अप्लाई कर लो, या अभी तो करा है किसी ने अभी कि नहीं करा है, अभी किसने कर चुका है? यू अप्लाइड फॉर एक्सटेंशन फॉर 2 इयर्स। ओके, अंडर अंडर व्हाट कैटेगरी, 205D और अंडर 186? वह सेम कैटेगरी, ओके, उस उन्होंने कितनी फीस पे करी है, उसकी जो एप्लीकेशन फीस पे करी है, $100। या सो विच इज अंडर R-186 में जा रहे हैं, तो उसी में जा रहे हैं, तो उससे ठीक है, जो कर दिया कर दिया, विच आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस, पर इसमें आपको फिर वेस्टर रिकॉर्ड मिलेगा, यू आर नॉट ऑन वर्क परमिट। द प्रॉब्लम इज कि अगर आप जब तक वर्क परमिट में नहीं आते, तो ये ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं हो रहा। अगर आपको PR लेना है इन फ्यूचर, तो आपका ये काउंट नहीं होगा। आपकी जो NOC कोड है, यू नो NOC कोड, NOC कोड है 4154, ये मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको, स्क्रीन पे ये दिखा रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन रिलीजन, इसके एग्जांपल दे रखे हैं काफी कुछ, यू नो तरह तरह के, तो इसमें आपका जरूर आ जाएगा। तो इस कोड में आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते थे। सो जो उन्होंने किया है 186 में किया है, आई डिसएग्री विद द स्ट्रैटेजी, इन इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी उन्होंने किया कि अब तो चला गया, तो दैट्स नथिंग आई कैन डू अबाउट इट। पर इसमें आपको देखिए, इसमें जो आप BC में है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपको स्क्रीन पे, शंभू नजर आ रहा है स्क्रीन पे? हाँ, नजर आ रहा है। हाँ, इसमें क्या है, ये वर्क BC की वेबसाइट है और 4154 में बताते हैं कि क्या क्या करते हैं वगैरह वगैरह। देखिए ये सैलरी है, $53,000 साल की सैलरी है, प्रोविंशियल मीडियन सैलरी। अगर ये जिन्होंने आपको एम्प्लॉय किया है, जिन्होंने आपको रखा है, अगर ये आपको प्रॉपर आपका PR के लिए सोच रहे हैं या सोच रहे थे, तो आपको पहले ही से ही उस सेक्शन में आपको LMIA एग्जेम्प्ट वर्क परमिट पे दिलाते और इतनी सैलरी देते, इससे अभी आपका 2 साल का एक्सपीरियंस आपका काउंट हो जाता है। इन फ्यूचर अगर आपको BC PNP में जाना है या कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री में जाना है, वट एवर CEC क्लास में जाना है, डिपेंडिंग ऑन द अदर फैक्टर्स, आपकी एजुकेशन, IELTS, तो इससे आपको फायदा हो जाएगा, हो जाता। लेकिन अभी आप वेस्टर्न रिकॉर्ड में आपने पहले भी थे और वेस्टर्न रिकॉर्ड में अभी फिर जा रहे हैं, तो इससे आपको PR का कोई फायदा नहीं मिला। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आपको PR के लिए इकोनॉमिक क्लास में कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। तो मैं आपको दिखाना था जिससे कि आपकी आंखें खुल जाएं कि व्हाट इज लॉ और ये व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। लेट मी जस्ट जंप बैक टू इसी पे कि इसमें है क्या, कौन कौन से आप 205T में कौन कौन से आप डिस्क्रिप्शन कर सकते हो, ये सारा लिखा हुआ है, विच आई यू ऑलरेडी नो, तो इसमें वो सारा चेक करते हैं, ब्ला 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 करके सारा, इनकी प्रोसेस फीस है, आई डोंट टू गो देयर, एम्प्लॉय कंप्लाइज फीस है, और ये ऐसा आपको ये मिल जाता है। और आपकी वाइफ अगर आपके, आर यू आर मैरिड? नो नो, आई एम अ मॉन्क। नो, यू आर नॉट मैरिड, ओके। सो आपके अगर वो फैमिली नहीं है, तो अगर होती तो वो भी आ सकते थे, और प्रीटी मच ये से है। अब देखिए जो आपने लिया है, जो आपने 186 में लिया है, ये वाले आपने पहले भी लिया है और आगे भी लिया है, इसमें भी वही काम हो रहा है, काम वही है, प्रीच डॉक्ट्रिन वगैरह वगैरह, यू नो प्रीटी मच ये है, इनके एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल दिए, तो सारा ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इस एविडेंस को देख के वो डिसाइड कर देंगे कि आपको आगे इनको एक्सटेंशन देना है या देना है। और आई हैव नो प्रॉब्लम, यू प्रीटी मच कैन गो टू एनी कैटेगरी, द प्रॉब्लम इज इट इट विल नॉट हेल्प यू। हाउ विल इट हेल्प यू? आई वॉन्टेड टू आस्क योर इमिग्रेशन लॉयर,
and your immigration consultant, whoever was doing your file, how does it help you get PR? Do you understand abhi tak jo main bol raha hu? Shambhu, aap samajh rahe ho main kya keh raha hu? Haan haan pura I understand. जो हो गया वो तो हो गया. नाउ कोई बात नहीं. अब पहले पहले जब तक हम इतिहास नहीं समझेंगे आगे फ्यूचर का कैसे प्लानिंग करेंगे. पहले हमें हिस्ट्री समझनी पड़ती है किसी की कि हिस्ट्री में क्या हुआ, कैसे लोग हारे, कैसे जंग हुई, कैसे महाभारत हुआ, तभी तो आगे हम फ्यूचर के लिए जाएंगे. तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हमने गलती क्या करी है जिससे कि हम गलती को रिपीट ना कर सके. कोई भी इमिग्रेशन लेने के लिए यहाँ पर इकोनॉमिक क्लास, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक क्लास इमिग्रेशन. आपका जो है आपका फैमिली क्लास है नहीं है, आपका ह्यूमैनिटेरियन क्लास है नहीं है, आपका सिर्फ इकोनॉमिक क्लास में इमिग्रेशन बनता है और बन सकता भी था पहले, लेकिन वो एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक करके आपको वर्क परमिट नहीं मिला एंड देन यू आर वर्किंग ऑन अ वेस्टेड रिकॉर्ड व्हिच इज आई थिंक इज रॉन्ग. ये बात तो अभी जो एक और मेरे को शंभू ने बताया कि आपको एक और रिफ्यूजल आ चुकी है ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट क्लास में, इज दैट राइट शंभू? या आपको पता है कि ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट क्लास क्या होता है? डू यू नो एनीथिंग? ओके. जब जब आपके लॉयर ने, किसी कंसल्टेंट ने आपकी अप्लाई किया तो आपने उनसे पूछा नहीं, आपने कोई साइन की होगी स्टेटमेंट, कुछ अपने फैक्स दिए होंगे, आपने पूछा नहीं कि व्हाट इज दिस क्लास एंड व्हाई इज ही डूइंग दिस एप्लीकेशन इन एचएनसी क्लास? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं. यहां सिंस आई डोंट हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री, दिस इज द ओनली वे ही कैन अप्लाई. वेल दैट मे बी पार्शियली राइट. आपके पास एजुकेशन डिग्री नहीं है वो एक अलग बात है. बहुत लोग हैं यहाँ पर हैं जो जिनके पास डिग्री नहीं है और जो जिनके आपके पास 12वीं क्लास तो है ना, 10+2 है. या 10+2 बहुत है, 10+2 हमारे लिए अभी भी बहुत है. बैचलर्स डिग्री और फलानी डिग्री से, आई मीन हाउ मेनी पीपल इन कैनेडा हैव बैचलर्स डिग्री? आई डोंट थिंक मैनी. सो उससे भी काम हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ ये डिसाइड करना कि एजुकेशन नहीं है तो हम एचएनसी क्लास में डालेंगे, दिस इज आई वुड से कंप्लीट इग्नोरेंस. और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ. आपको स्क्रीन पे देखें, आपको मैं जो भी दिखाऊंगा सबूत के साथ दिखाऊंगा. अभी दिखाता हूँ मैं स्क्रीन पे. ये है आपका ह्यूमैनिटेरियन क्लास, नजर आ रहा है स्क्रीन पे? हाँ हाँ. इसको कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट असेसमेंट एंड दिस इज अंडर सेक्शन 25(1) और हार्डशिप. मैंने इसको जो इसमें है तो बहुत सारा वो है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ उतना बता दिया है कि जितना कि हम समरी में डिस्कस कर चुके. बट इफ़ यू वांट टू रीड, अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है तो आप इसको घंटे घंटे पढ़ सकते हो, तो ये ख़त्म नहीं होगा. ये बहुत सारा दिया हुआ है, ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट वगैरह वगैरह ऐसे दिया है. तो मैं आपको सिर्फ वो फैक्टर्स बता रहा हूँ, असेसमेंट कैसे करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि इसको हमें अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, कैसे करना है, तो वो मैं आपको आपको दिखा देता हूँ. और ह्यूमैनिटेरियन कंपैशन का मतलब सिर्फ इतना है कि हम आप पे दया करते हैं, दया करते हैं मतलब वी हैव सिंपैथी टू यू. और कैसे केसेस में सिंपैथी होती है, जैसे किसी की मौत होने वाली है, किसी की लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है, किसी के फैमिली में डेथ है, किसी को कोई कैंसर है, कोई टर्मिनल चीज़ है, किसी को कुछ ऐसा इलाज कराना है, मेडिकल प्रॉब्लम है जिसका इलाज इंडिया में हो ही नहीं सकता, यहाँ पर उसको भेज देंगे तो वहाँ मर जाएगा, यू नो दोस काइंड ऑफ सिचुएशन, दोज आर कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट कंसिडरेशन. अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना है तो एक सुप्रीम कोर्ट का केस है, वैविलोव केस है. मैं गूगल पर जाके टाइप करूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा. अभी तो मैं इट विल टेक वन आवर टू डिस्कस. ये तो ऊपर ही मैंने टाइप किया और ये आ गया, वैविलोव वर्सेज कैनेडा. और ये क्लासिक केस है ह्यूमैनिटेरियन कंपैशन का. देखिए पहला ही आ गया. तो ये कैनेडियन मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन वर्सेज एंड इमिग्रेशन वर्सेज वैविलोव का केस है और आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैनेडा में इसकी जजमेंट पड़ी हुई है. तो इसमें बताया हुआ है कि एचएनसी केस जो इसका केस बहुत लंबा पड़ जाएगा ऐसे. तो एचएनसी केस में होता क्या है, कैसे हम सिंपैथी करते हैं, क्या क्या फैक्टर देखते हैं और कैसे हम उसको अप्रूव करते हैं. तो ये केस आप जाके इन फ्यूचर आपको पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हैं. लेकिन यहाँ देखें कि जो ये देखिए मैं इस पर आता हूँ, असेसमेंट केस. और आपका रिफ्यूज़ हो गया. आई वॉज नॉट शॉक्ड, आई वॉज वेरी सरप्राइज कि उन्होंने ये केस आपका किया है. क्यों? क्योंकि पहले ही अगर वो केस करना और उसको केस को रिफ्यूज़ हो जाना, इससे आपका पहले ही इंटेंशन सेट हो गई है कि आप विजिटर वीज़ा पे वहाँ से तो आए हो, लेकिन आपका जो इंटेंशन है पीआर होना है. तो ये दिस इज़ लाइक क्लैश बिटवीन योर इंटेंशन. वहाँ तो आपने बोला कि मैं विजिट करने जा रहा हूँ वैंकूवर, और यहाँ आते ही आपने एचएनसी कर दी. तो दिस डज नॉट मेक सेंस टू मी एंड आई डिड नॉट सी एनी पॉजिटिव फैक्टर्स. तो यहाँ ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन पे बता दूँ. ये देखें,
स्क्रीन पे नजर आ रहा है कुछ? मैं बड़ा कर देता हूँ, नजर नहीं आ रहा था। शंभू जी नजर आ रहा है आपको फैक्टर्स? तो सबसे पहला ये है कि एस्टैब्लिशमेंट फॉर इन कनाडा, आपकी एस्टैब्लिशमेंट क्या है। पहला फैक्टर हम ये देखते हैं कि आप जो पीआर के लिए आप मांग रहे हो एचएनसी कंसीडरेशन में, आपकी रूट्स कितने बने हुए हैं यहाँ पर। आपका रूट्स तो कुछ बना नहीं है, ना आपके पास प्रॉपर्टी है, ना आपने टैक्स पे किया, ना आपके पास कोई और एजुकेशन है, ना आपने कोई वो ऐसा तो की नहीं, वो आप पे करोगे ना, दे लुक एट द होल फैक्टर्स, यू मे बी पेइंग राइट नाउ बट यू नो दे लुक एट द होल, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, इट्स जस्ट नॉट वन, दे जस्ट लुक एट द होल पिक्चर। सेकंड व्हाट इज कॉल्ड टाइज टू कनाडा, थर्ड इज कॉल्ड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी चिल्ड्रन व्हिच यू डोंट हैव राइट नाउ, फैक्टर्स इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन, जहाँ से आप इंडिया से आए हो वहाँ पर क्या फैक्टर है, वहाँ पर कोई मारामारी हो रही है, कोई मर रहे हैं लोग, वहाँ जा नहीं सकते, जैसे अफगानिस्तान है, जैसे यू नो आई डोंट नो व्हिच कंट्री, सीरिया है समथिंग, वहाँ पर लोग अभी हेटी है, हेटी में अर्थक्वेक आ गया, तो वहाँ का अगर अभी जो अभी यहाँ से इसको अगर आप हेटी से होते हैं, अगर आपको जाना होता तो वहाँ भी मौत हो रही है, सब मर रहे हैं, दीज आर द फैक्टर्स। द सेकेंड फैक्टर जो मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ, हेल्थ कंसिडरेशन, कि आपको कई बार होता है कि यहाँ पर कोई किसी को कोई बहुत खास कोई मेडिकल इमरजेंसी टर्मिनल डिजीज है जिसका इलाज नहीं हो सकता है, इंडिया में जाओगे तो मर जाओगे, कोई इलाज ही नहीं है, यू नो दोस कंट्रीज। फैमिली वायलेंस, किसी के फैमिली में कोई ऐसा कोई वायलेंस की हो रही है, जैसे औरतें आती हैं तो उनके हस्बैंड अब्यूज़ कर रहे हैं, मार रहे हैं, जान का खतरा है वगैरह वगैरह। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेशन ऑफ रिलेटिव्स, सेपरेशन अगर रिलेटिव्स होते हैं तो उनसे कई बार होता है कि जैसे फादर है मदर है तो उनको डिपोर्टेशन लग जाती है, बच्चे यहाँ रह गए तो उनका फैमिली सेपरेशन हो जाता है, तो वो देखते हैं कि भी बच्चे को क्या होगा, बच्चा इतना छोटा है वो फादर के बिना कैसे रहेगा। सो दे आर सेट ऑफ फैक्टर्स, अगर आप ये देखें दे आर प्रीटी मच 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 फैक्टर लिखे हुए हैं, देख रहे हैं स्क्रीन पे आप, स्क्रीन पे देख रहे हैं स्वामी जी, देख रहे हैं 10 फैक्टर लिखे हैं आपकी एप्लीकेशन में, इन 10 फैक्टर्स में से कितने फैक्टर उन्होंने लिखे हैं आपके बारे में? प्रीटी मच नन, मेरे ख्याल के कुछ भी नहीं है। So I'm not shocked at all कि application was refused and I think it was a strategic mistake. So ये तो हुआ जो history में हुआ। अभी आपने कहा कि अब आप चाहते क्या है? आप India नहीं जाना चाहते अब? No, I've been sent here to establish the center here. Okay, but my question was something else. My question was I read your bio data. I read that you said that you have given up the world, you believe in God and aapne duniya chhod diya, duniya mein tyag kar diya, so why are you attached to Canada? No, because I am a part of the Ramakrishna Mission. Ramakrishna Mission has established a center here. Okay. And they have opened a center here. Okay. And they want me to establish this center. And when you say establish the center, means you'll be a preacher? Yeah, I'll be in charge and I'll be preacher here. So in other words, you have made up your mind to make Canada as a home, not return to India. You want to seek permanent immigration here, of course. Yeah. Okay. So for this, you already have applied for a work permit under 186(1)I. So that application has been done for how many how many months ago? How many weeks ago? ये मैं दिसंबर में आया था 2019, तो नवंबर एंड I'll have to leave if it is, doesn't get renewed. ये मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल है कि जो extension किया है अभी, जो आपने कहा था 2 साल के लिए, हाँ 2 साल, हाँ वो कब किया है? वो करीब 10 दिन पहले. 10 दिन पहले, so that may take time, it will take time, इसमें 1-2 महीने 3 महीने भी लगने हैं. So ये तो application चली जा चुकी है, अब you just have to wait for that application to be approved. There's nothing I can do to change or influence that application. क्योंकि वो एप्लीकेशन जिन्होंने करी है, जो भी लॉयर है कंसल्टेंट, उन्होंने कुछ लिखा होगा एंड दे नो बेटर व्हाट दे रोट, सो यू जस्ट हैव टू वेट. अगर मेरे से अगर आप पूछते तो आई वुड हैव डन वर्क परमिट अंडर LMI एग्जाम्प्ट वर्क परमिट, मैं वो करता और आपकी प्रॉपर सैलरी लिखता, उसमें सैलरी आपको मिलनी चाहिए. आपको आपने कहा कि सैलरी आपको दे रहे, कितनी दे रहे सैलरी? 36,000 पर एनम. आपको 36,000 दे रहे तो आपको वर्क परमिट क्यों नहीं लेना? आपने आपको विजिटर परमिट, विजिटर रिकॉर्ड को एक्सटेंशन करने की जरूरत नहीं थी आपको. You should have sought for a work permit directly, because no matter how much you keep on working, if you work for 2 more years or 3 more years or 10 more years,
that will not help you for getting permanent residence under economic class. अगर वर्क परमिट अभी भी ले लेते हैं आपके तो जितना भी आप टाइम काम करते जाओगे, let's say if you work for 2 years, 3 years, maybe longer, that experience at least will qualify under BC provincial nominee class and then you can get nomination through there. और उससे आपका PR in time, it will not be instant of course, आप काम करोगे और BC PNP पे जाओगे, it may take 6 months there and then you can apply, go to the federal forms. And so in the reasonable time of, let's say, if you had at least 1 year of experience or so, and with a job offer from this institution with $36,000, you know, I could see you as a PR under that economic class in about 3 to 4 years, easy. Sir, up to we just have to wait for 2 more years or to kuch karne ke liye. No, no, ऐसी बात नहीं है, वो आपको किसने कहा? अगर आपका ये 2 साल का वेट करने की जरूरत नहीं है, आपका जब ये 186 वाला आई का अप्रूव होकर आ जाएगा, जब आपको मिस्टर Vista record mein kya hai ke you can work and then you can stay there for more, you know, another 1 year or 2 years, jitna bhi unhone manga hai, but you can always seek to convert your Vista record into work permit, or okay. You can see to, or you can tell your lawyer also that, you know, that's a reality. I'm surprised ki unhone aapko ye sab bataya nahi aur log batate nahi aur log poochte bhi nahi hai, which is unfortunate, kyunki jab tak aap question nahi puchoge, how will you learn, how will you know what the right thing, and I always tell people you need to get a second opinion from different lawyers. So first, before anything, you go to, you know, one or two lawyers and ask them. Actually, all these things were done by the people here. So I was not at all actually involved at all. I just filled up the forms. Yeah. So now, ab ek hi cheez hai mere ko main jo worry hai ki because I applied for PR and it was refused, can my visitors renewal be also refused? Yeah, I would refuse it. If I was the immigration officer, I would definitely refuse it, because you are on one hand, this is called dual intent. On one hand, you have already indicated that you want to get PR as soon as you came to Canada. I mean, not long ago, and you sought to get the PR, and now you're saying ki mereko visitor permit or temporary rehne ka de do. So it's looking like, you know, it's a clash of your intention. So. Then what are the revenues left to me? Well, you have, you know, the thing is this, while it is under process, you are under employee status. That means ki agar aapka visa bhi expire ho jayega, aapka visitor record bhi mere khayal hai ki agle mahine khatam ho raha hai aapka visitor record shayad, agar aapka wo bhi khatam ho jayega, fir bhi aap yahan par reh sakte ho, you can stay here as long as it takes, maybe 2 months, 3 months or so, aap yahan par ruko, aur agar jab wahan par refuse ho jayega, so then they will send you a letter, it is refused and you have to leave the country. Leave the country means within 30 days or so. Lekin agar aapko, agar aap by chance kai log hote hain jo nahi jaate hain, or within 90 days even they have expired on the visitor record, they can pay $200 back again to you know, restore the status, to wo sakta hai. Lekin aap definitely jaise hi refuse hota hai to uske baad aapko ye dusra ye work permit apply kare aap, jo section 205d jo maine bataya aapko. Agar aapko iske bare mein aur bhi dekhna to main aapko email kar dunga, to aap print karke unko dikha de, and you know pretty much you should learn this on your own, because it's your life, it's your future, to aapko wo karna chahiye. Aur agar teesri scenario ye bhi hai ki agar aapko, and I don't mind you saying that, ki agar that is the right thing to do, आप जिस सेंटर से आपको नौकरी मिल रही है, जो नौकरी ऑफर दे रहे हैं, उनसे आप जॉब ऑफर लेटर ले, पूरा सैलरी पैकेज जो भी कुछ है पूरा वो ऑफर ले. अगर आपको इंडिया जाना है, यू नो अगर ये होता नहीं है, लेट्स से कि आफ्टर 1-2 मंथ्स अगर आपको इंडिया जाना है, तो गो टू इंडिया, स्टे देयर फॉर 1 or 2 मंथ्स, यू हैव द जॉब ऑफर, री अप्लाई फॉर अ वर्क परमिट अगेन फ्रेश फ्रॉम द कैनेडियन हाई कमीशन एंड देन कम बैक अगेन, नो प्रॉब्लम. बट ऑफ कोर्स देयर इज नो गारंटी दैट द वीजा ऑफिसर सिटिंग इन न्यू दिल्ली विल गिव यू द वीजा, बिकॉज they already know that, you know, you applied for the visitor visa last time, and as soon as you landed in Vancouver, they say, hey, Vancouver is my home, I want to stay here permanently. So it just goes against the tenets of the visitor requirements. Amarjit ji, in his case is little different. He didn't come to visit actually because of the paraphernalia. He has been invited to become a priest or the main. I understand the whole logic, ki inka background kya hai, kyun aaye, kaise aaye, kyunki inhone jo visitor visa liya hai usme already working card dal rakha hai. Yes, so he has nothing, he is like our common layman person, he doesn't know anything, so they only wo to theek hai,
लेकिन ही नीड टू नो हिज इंग्लिश इज गुड ही कैन अंडरस्टैंड ही कैन टॉक गुड ही इज एन अमेजिंग यू कैनॉट इन वन टू वन सिचुएशन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन ही इज बस पर लेकिन ये तो बेसिक चीज है ना, हमें हम जो भी फॉर्म भर रहे हैं, जो भी हम फॉर्म भरते हैं, साइन करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये तो बेसिक चीज हमें पता होना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं। इट इज बट नेचुरल कि हमें पता होना। जो लोग आपको जॉब दे रहे हैं, आपकी जो आश्रम वाले जॉब दे रहे हैं, मे बी दे आर डूइंग दिस बेस्ड ऑन देयर ओन कॉमन जनरल अवेयरनेस एंड जनरल परसेप्शन ऑफ हाउ दिस वर्क्स। मे बी दे हैव अ इमिग्रेशन लॉयर एज अ कॉम्पिटेंट, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट। आई अंडरस्टैंड हाउ दे अप्लाइड फॉर कॉम्पैशनेट ग्राउंड when Swamiji showed it to me, I really without any hesitation I told this is a bad application. आपको शायद मैंने एक बार पहले भी बताया, नहीं बताया तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूं। एचएनसी एप्लीकेशन जो होती है ना, ये अगर आप पहले किसी से लॉयर से पूछते तो एचएनसी एप्लीकेशन का जो अप्रूवल रेट है is hardly not more than 5%. I had no acquaintance with him at that point of time. Otherwise, I would have communicated with you. We have taken this decision. So hardly about 5 to 10%. That means ki out of 100 applications, not more than 5 or 6 will be approved. So HNC applications ka approval ka standard bahut high hai. Matlab ke jab tak ke life or death ki situation na ho, tab tak wo HNC tak wo dekhte have already denied it. So yeah, ye galti ho gayi. To abhi to ye hai ki inhone jo 186i pe jo kiya hai, inhone jinhone kiya hai, inhone Vista record ko 2 saal ke liye aur aage badha diya. Vista to rahenge ye Vista hi. कितनी बार कहां से टैक्स दिया? आपके पास सैलरी स्लिप है, उसमें टैक्स कटा हुआ है? सैलरी स्लिप आई गेट एवरी मंथ फ्रॉम दी सोसाइटी और टैक्स रिटर्न सब मेरे पास है लास्ट ईयर का। नहीं, पर डू यू हैव अ सिन नंबर? Yeah. You have yeah. So are do you have a T4? T4 means? T4 means at the end of the year, total salary for the year, that is everything I have, yeah. He has everything because he has filing. I have sent it to you. If you look at it, there is his, everything is there. Okay. So total, kitne ek saal ho gaya kaam karte hue isme? So this 947127247 expires. It will expire in 19th November. Yeah, it is a temporary SIN number. Yeah, it's a temporary SIN number. Anything that starts with 9 is a temporary. That means it will expire at that time. So I still highly recommend that you get a proper regular work permit. So that will only be after my application is either refused or granted. Absolutely, yes. So, can you help us with that, or we have to approach a lawyer or somebody? Any lawyer can do the application. I can do the application as well. It's not a big deal. But we need a, you might want to also maybe, if possible, if I have my way, I want to withdraw your existing application. And then do a 205D application and then pay the that might be a better realistic idea. Or we can check the process time. I don't know how much time is taking, maybe 1 month or 2 months or something, but we can pretty much do that. And if it is approved, there's no guarantee it will be approved. If it is approved, then you have a proper SIN number, you have a proper work permit, and then pretty much you can. Are you getting health coverage from BC? Yeah. No. Yeah, of course. They checked your what? They checked. They didn't ask for a work permit. No.
I just sent the visitor's record of clergy and they gave it. Okay, and are you paying some premium every month or no? No, I'm paying nothing. You're not okay. It's all covered. So I'm still not sure. I'm still not confident that this work experience is eligible to qualify you under economic class, because any work experience must be done on a proper work permit, and visitor record is not a work permit. Samajh gaya. So abhi how many days do we have for withdrawal? My kitne din tak hum log withdraw kar sakte hain? Withdrawal to chahe jab marzi karo, ke main dekh leta hu kitna process and time chal raha hai isme aajkal. I can check it out right now. Let's see. And suppose they deny me this extension, is there any scope for appeal? Nahi, iska to koi appeal nahi hai. There's no appeal for temporary visa applications. I mean, you pretty much have to reapply again. You applied for a visitor extension, actually. That's what you're applying for. Yeah. So it was online application. That's taking a long time. You have आपको ये फायदा हो जाएगा क्योंकि ये करीब करीब मेरे ख्याल है कि 3 महीने प्लस चार महीने से ज्यादा नहीं आप 3 महीने प्लस था 4 महीने अगर फायदा मैंने क्या कर लास्ट में रिफ्यूज ही कर दिए तो क्या फायदा होगा जी 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 वो तो आप कुछ यू नो देयर इज नो वे टू प्रेडिक्ट आप पहले से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि ये वो क्या होगा लेकिन आप ये तो वर्क परमिट कितना है या वर्क परमिट का अगर करें तो वो कम है एक्चुअली वो कम है वो 3 मंथ्स हां वो 3 महीने है तो 3 महीने में इसका डू यू सजेस्ट दैट वी इमीडिएटली विथड्रॉ दैट एंड अप्लाई फॉर अ वर्क परमिट एप्लीकेशन करने के बाद दूसरी एप्लीकेशन करने के बाद सक्सेसफुल एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तब वो पहली वाली एप्लीकेशन को विथड्रॉ करना तो पहले ये दूसरी एप्लीकेशन करने के बाद जो और एप्लीकेशन जो आपको करनी है वो ये वाली करनी है अंडर ये 205D 205D हमें ये वाली एप्लीकेशन करनी है तो डू यू ऑल द पेपर्स आई हैव गिवन डू यू नीड एनीथिंग एल्स फॉर दिस एप्लीकेशन नहीं अगर मेरे को करना है तो मैं तो अलग से फिर डॉक्यूमेंट्स मंगाऊंगा ना मेरे को क्योंकि जो एम्प्लॉयर का जो आपको तनख्वाह देंगे उनका पूरा जॉब ऑफर लेटर चाहिए उनके बारे में चाहिए सब दिया हुआ है शंभुदा को सब दिया हुआ है ठीक है उनका उनका सारा वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए उनका टैक्स रिटर्न चाहिए उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए वगैरह वगैरह इनफैक्ट प्रीटी मच मैं आपको दिखा देता हूं उसमें लिस्ट भी बनी हुई है क्या-क्या चाहिए जी अमरजीत जी आई हैव सेंट यू एवरीथिंग इफ यू चेक देन इफ यू नीड एनीथिंग मोर देन वी कैन गेट इट फ्रॉम हिम जी और उनका जो है उनका एम्प्लॉयर कंप्लायंस फी भी पे करेंगे $230 वो पे करेंगे उसका वो तो वी विल पे व्हाटएवर मिनिमम यू चार्ज फ्रॉम हिम वी विल पे फॉर पे दैट यू मेक दैट वन रेडी आफ्टर इफ इट इज सक्सेसफुली अप्लाइड देन वी विल विथड्रॉ दैट वन जी 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 तो उसके बारे में चलो मैं हम लोग बात करेंगे अलग से आई मीन राइट नाउ वी वर जस्ट डिस्कसिंग द लॉ व्हाट इज द बैकग्राउंड आपके बारे में आई थिंक इट्स बीन अ वेरी गुड आईडिया सो फार यू हैव टू सेट अप अ डिफरेंट थिंग different session and maybe talk to the employees. ये जो आपके जो आश्रम है इनका they have how many employees? कोई employee नहीं है. Only he is the single employee. Okay, you are the single employee. So ये होता है ना क्या कि they have it's an employer trying to hire a foreign worker. You are a foreign worker. So the immigration has to judge ke bhi kitna genuine job offer hai. Why does it matter for them to hire you? Because aur koi employee to hai nahi hai. To matlab ke payroll to aur I mean how is it? Agar jaise wo owner hai ya koi aur manager nahi unka manager ya koi officer? They are all volunteers. Like our agency, those are the board of directors. They are all volunteers. So they are casual. You know, they have no stake in it. They just brought him. That's right.
पर जो जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल उसके हाउ सॉल्वेंट आर दे, डू दे हैव एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो उनका उसमें जो टाउन हाउस में जो अपार्टमेंट है दैट बिलोंग्स टू अस एंड इज नाउ स्टेइंग दैट होम बिलोंग्स टू द ऑर्गेनाइजेशन. या पर इसमें क्योंकि दे विल द इमिग्रेशन विल डिमांड यू नो लाइक अ बैलेंस शीट और अ income statement or profit non profit statement, they should have everything. वो सब चाहिए पड़ेगा. वो तो रहेगा ही because that's registered agency, right? हम लोग registered या more than 25 years ago it is registered. So पर बात ये है ना कि आपको अगर वो $36,000 अगर वो salary दे रहे हैं तो you know if the work permit if the work duration and employment job offer is for 1 year so they we want to ensure कि do they have sufficient liquid funds to for yeah, you yeah. to we yeah. have the, for you to yeah. continue saving yeah won't be possible. ठीक है चलो फिर अब मैं आपको एक चेकलिस्ट बना के देता हूँ और फिर ये आपको जिम्मेदारी है ये आपको करके देना पड़ेगा but at least now do you understand कि where do we stand what we have and yeah I think I have understood Maharaj Mahadev understood better than me I am thinking still what I am telling that whatever you from the inference we are drawing that that's the best plan to apply for the work permit visa then we if it is successfully applied then we will withdraw the temporary visitors visa that's right plus also there is no guarantee of any visa extension no yeah, matter it is same for both the applications whatever you have applied and because it is also taking 4 months 10 days so yes. you are not getting it right now still you but before that we would have some outcome from the one that we are going to apply That's right. If there is any scope for appeal, etc., then we can say that when I came as a visitor. But when I applied for PR, I got a lot of references from the members here, approving my good work and appealing for my stay here. So we can say that even though I came on a visitor's visa, now since the people of the society at large. want me to stay here that's why I applied for a permanent residency and I do understand I saw some letters that the people wrote and they are showing the PR card also I saw them but that is not a criteria for humanitarian compassionate approval no humanitarian it cannot be service is so valued rather on the contrary I would say that it is he is making a compassion to us or to the people who are there It is not that he is seeking any compassionate ground. It is the people who has brought him. They want his compassion. We want his compassion. Right. That's the right thing. Well, that's it's okay. I know you wrote about COVID. Me, आपको चाहिए ये सब चीज़ वो सब ठीक है. पर जो जो एक नया जो work permit हमें apply करना है उसका जो basis क्या है मैं आपको बता दूँ उसका basis है कि I mean typically it is done by a religious body. जैसे आपका मंदिर होता है. जैसे मस्जिद है गुरुद्वारा ऐसा यू नो चर्च चर्च होता है जैसे सो इट इज डन बाय अ रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप और उसमें जो प्रीचर होते हैं जैसे प्रीचर आते हैं सो प्रीचर इज मेकिंग स्पीचेस टू कॉन्ग्रीगेशन आपको स्पीचेस देते हैं जैसे मंदिर में भी देते हैं तो उसमें जो जैसे मंदिर है तो उनका मंदिर का एक फाइनेंसिस है दे मेक गेट डोनेशन एंड यू नो दे हैव I mean, lot of places of worship they have millions of dollars in their cash. I mean, not no, like you, whatever you're looking, they have everything. And right. in addition, I'm just telling he is not only tied to there. He is occasionally invited to Calgary, to Edmonton, to Toronto. He gives sermons to other places. Yeah. He's if you when he comes here, I will invite Both you. We have a lot of cash, but we can support my salary if I money. We not that. We have a huge amount of cash, but we can support the salary for a worker's license also, worker's permit also. ठीक है चलो अच्छी बात है. So based on the ये आपका दिमाग में रखिए ये आपकी करना है. Okay. क्योंकि भगवान का मर्जी से काम हो जाए तो आपको भी बढ़िया हो हम भी धन्य हो. तो worst scenario क्या हो सकता है समझ लीजिए दोनों ही अगर refuse हो गया and if I have to return to India. Then how can I apply?
Then you have to apply again in the work permit category, again getting a new job offer or something. It all depends on what they give you the reason. From India, they will give you very easily in case, because we all know Ramakrishna Mission. It's such a worldwide organization of such repute that I think in India, all India the... Se milna koi problem nahi hoga. India se milna koi India problem. Getting visa from India because they all know. Yahan pe kya karenge, wohi janna hai bas. Ek agar aapko... देखिए ऐसा हो, इट्स ओके, आई कैन गिव इट अ ट्राई. अगर आपको लगता है कि वर्क परमिट, दो अलग अलग पहलू हैं इसके. वर्क परमिट की जो बेसिस है उसकी है जॉब ऑफर, सैलरी कितनी स्टेबल, कितनी सॉलिड आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब हैं उसके फैक्टर्स. और अगर वो सब हैं तो अगर आपको लगता है कि इंडिया से इम्प्रेशन या उसका एक राम आरके मिशन का एक इम्प्रेशन स्ट्रॉन्ग है तो इंडिया से ही मतलब. लेकिन ये है कि अगर इंडिया से वर्क परमिट नहीं मिला देन व्हाट, यू नो ये बात है ना कि अगर आपको वहाँ से नहीं मिला देन व्हाट इज द आउटकम, देन यू आर प्रीटी मच स्टक देयर. या तो फिर ये है कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी सॉलिड नहीं है देन मे बी एज यू से यू गो टू कैलगरी एंड यू नो अदर प्लेसेस. नो दे ही कैन नॉट गो ऑफ हिज ओन बिकॉज़ हु बिकॉज़ ही हैज बीन डेप्यूटेड बाय द रामकृष्ण मिशन फॉर वैंकूवर बट कैलगरी इज लुकिंग फॉर देयर इज शंभू दा एडमिट. ये देखिए ऐसी चीज है ना, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ दिस बीइंग सॉलिड, दिस इज वेरी सॉलिड. वैंकूवर वेदांत सोसाइटी 25 साल से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. देयर हैज बीन नो एलिगेशन और नो इंक्वायरी फ्रॉम द टॉक्स फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट, सो दैट इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड सोसाइटी. इस सोसाइटी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. प्रॉब्लम यही हो सकता है जो आप बोले कि ये पीआर और विजिटर जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगर इसके बेसिस पे वो लोग रिफ्यूज करें तब अगर मैं गया तो ऐसा मेरे को ऐसा तो नहीं होगा कि इसी बेसिस पे मेरा फ्यूचर वर्क परमिट एप्लीकेशन भी रिफ्यूज कर देंगे. माने को लॉन्ग स्टैंडिंग ऐसा झमेला तो नहीं हो जाएगा? नहीं, झमेला इमिग्रेशन है ही झमेला. देखो बात यह है कि जो आपका जो पीआर की जो इन्फॉर्मेशन जो रिफ्यूजल है वो आपके रिकॉर्ड में चढ़ गई है तो कभी भी आप कोई भी वीजा अप्लाई करोगे कनाडा के लिए तो वो पुराना एक बैकग्राउंड नोट्स आपके साथ साथ चलेंगे कि पहले आपने क्या किया. तो डेफिनेटली वीजा ऑफिसर तो जो न्यू दिल्ली से भी बैठा है वो देखेगा कि भाई आपकी ऑलरेडी आपने कर चुके हो एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू गो बैक अगेन ऑन अ वर्क परमिट. सो यू नो वर्क परमिट टिपिकली इज अ टेम्पररी परमिट, मे बी 2 साल में खत्म हो जाएगा और लोग पीआर बनते भी हैं लेकिन वर्क परमिट के टाइम पे आपकी इंटेंशन है वर्क करने की ना कि पीआर लेने की. इवन दो I know they all transition to PR, पर जब आप दिल्ली से आप वर्क परमिट लोगे आप बोलोगे जी मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दे दो मैं 2 साल करके फिर मैं आऊँगा वापस, तो वो कहेंगे what you said earlier that you will come back but you start to PR application also, and is always which officer looks at the case and how do they decide. So there's never a guarantee, but hey, as I said earlier also के work permit application अगर नहीं होती एक बार तो दोबारा करनी है, दोबारा नहीं होती तीसरी बार करनी है. आई मीन आई हैव सो मेनी केसेस वेयर वी डिड सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम. कितनी बार वो रिफ्यूज करेंगे, आई मीन देयर इज हार्डली अ लिमिट. इफ इट इज जस्टिफाइड, अगर वैंकूवर को आपकी जरूरत है और जितने भी आपके मेंबर्स हैं, कॉन्ग्रीगेशन है, आपके डिसाइपल्स हैं, डेवोटीज हैं, जो भी कुछ है, अगर वो कह रहे हैं कि हमें चाहिए भाई और दे कैन पे योर सैलरी, ना वो तो आपके पास लेटर्स ही है, यू कैन सी देयर. What's the big deal? और दूसरा है कि आपके जो कोई influential member हैं जैसे Vancouver जिस area में आपके पास है, अगर कोई और कोई high level कोई member of parliament type है, इस तरह का MLA है वहाँ का, नहीं है पर Calgary society में जो vice president है, he has a lot of contacts. So he's of course very sympathetic to me and he also wants me to stay because I am going to Calgary also, I am going to Toronto also, so everybody wants me to stay. अगर कैलगरी में आपका उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है तो कैलगरी वाली ऑर्गेनाइजेशन से वर्क परमिट ले लो, आपको वैंकूवर से क्या, अगर वहाँ का कनेक्शन ज्यादा है. क्योंकि इसमें अगर कोई इन्फ्लुएंशियल मतलब जैसे लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकल एमएलए का ऐसे कोई लेटर, सपोर्ट लेटर लगता है तो उसका एक वेट है, उसका एक वजन है कि लोकल कम्युनिटी में ठीक है हमारे पास इस तरह के जो रिलीजियस नहीं है ज्यादा. और आई एम कैनॉट बी लोकल मेंबर ऑफ कैलगरी ना बिकॉज आई विल ऑलवेज बी बेस्ड इन वैंकूवर. But you have to understand work permit का मतलब होता है कि आपको तनख्वाह आपको उस संस्था से ही मिलनी है. आप चाहे दुनिया भर में घूमते रहो, चाहे पूरे नॉर्थ पोल साउथ पोल जहां भी घूमते रहो, लेकिन आपको
जिन्होंने आपको जॉब दिया, तनख्वाह आपको हर महीने की वहां से मिलनी है। मेक मनी फ्रॉम आउटसाइड और नॉट, इट्स इज नॉट अ पार्ट। इनफैक्ट टिपिकली यू आर नॉट सपोज टू मेक मनी फ्रॉम आउटसाइड योर प्लेस ऑफ वर्क। दैट्स अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ द वर्क परमिट एज वेल। नो ही हैज नो नथिंग एंड ही इज नेवर लुकिंग फॉर $1 फ्रॉम एनीवेयर। इट्स ओनली सेइंग हिज सर्विस इज ऑफ सच वैल्यू दैट ही हैज बीन ऑलवेज इनवाइटेड बाय कैलगरी, टोरंटो, एडमंटन, रेड डियर, ऑल दिस प्लेसेस in addition to Vancouver where he is placed. Vancouver also, what salary I get, I donate the whole thing back to society, but naturally the tax is cut off. Okay, so you are donating your whole salary back to them? Yeah. And so how are you taking expenses on your food, boarding, lodging? Everything society pays for. That society does. So he doesn't take $1 from the society. Okay, that's these monks are very different breed. You may not, if you study a little of the Ramakrishna Mission order, is more than 100 years. There is not a iota of any thing that people has found out in that. ठीक है अमरजीत सिंह जी, अब सब कुछ क्लियर हो गया, पर इसमें एक apprehension रही गया है कि माने it may take a long time and there is also a chance ki bhai refuse hote jaye. Do not think about that, Maharaj. Ye zindagi mein it will be okay. Whatever happens, it happens. But still you never harbor that idea in your mind. Agar aap ye sochoge to koi bhi application nahi ho sakti. Koi bhi application is pending approval. Usme kuch everything is life is full of risk. Whatever we do, we cannot do anything. We are living at the risk of dying every moment. Oh yeah. सो जहाँ तक इमिग्रेशन का सवाल है, इमिग्रेशन एप्लीकेशन एंड लॉ का सवाल है, इट इज एब्सोल्युटली नॉट गारंटीड। इवन जो परफेक्ट एप्लीकेशन, जो मेरे को लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ नहीं है, उसमें भी कुछ ना कुछ नया चीज माई जॉब एंड योर जॉब, एवरीबडी जॉब इज टू मेक श्योर दैट वी हैव द मोस्ट सॉलिड एंड एरर फ्री सबमिशन एंड वी पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड लेट देम मेक अ डिसीजन एंड देन दैट्स हाउ इट गोज। And that's even जितने भी study visa लगते हैं, work visa India से लगते हैं चाहे यहाँ से लगते हैं, everybody there's no guarantee in life, especially with this. वो देखिए बिल्ली भी आ गई वहाँ पर, बिल्ली का भी there's no guarantee. So माने there's always a chance that I may have to go permanently away. यही झमेला। There's no such thing as कि आप परमानेंटली जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। जब आप जाओगे तो उसके बाद दोबारा आओगे, फिर देखेंगे कुछ है नहीं, तो यू नो यू कैन ऑलवेज इफ यू वांट टू टूर अराउंड, जस्ट लाइक यू कम टू कनाडा, यू कैन गेट एन इनविटेशन फ्रॉम कैलगरी नेक्स्ट टाइम और मे बी टोरंटो और समथिंग एंड देन ट्राई बैक अगेन, और यू कैन इवन विजिट मीनवाइल इफ दे थिंक दैट योर लाइफ हैज बीन टू मच सेंट्रिक इन कैनेडा, और आपका जो घर है, जो इंडिया में घर है, वहां से आपके टाइज खत्म हो गए, देन यू कैन ऑलवेज टूर अदर कंट्रीज लाइक यूएस और समथिंग व्हाटएवर। सो दैट्स ऑल इट इज। यू नो टिपिकली व्हेन आई सी रिलीजियस पीपल इन जो हमारे गुरुद्वारे वगैरह में आते हैं, जो आते हैं प्रीचिंग करने के लिए, वो आते हैं 6-6 महीने के लिए, तो 6 महीने आते हैं, दे कम ऑन अ वेस्टेड रिकॉर्ड जस्ट लाइक योर शुड, आपका जो विद नो वर्क परमिट, और वो 6 महीने यहाँ पर अपना ड्यूटीज करते हैं एंड देन दे गो बैक अगेन। और वो मजे की बात यह है कि वो अपने घर भी नहीं जाते, इंडिया नहीं जाते, वो यहाँ से निकले देन गो टू अमेरिका, से निकले देन दे गो टू ऑस्ट्रेलिया, वो सारी दुनिया में घूम रहे हैं, इंडिया जाते हैं 4-5 साल में एक बार, वंस दे हैव मेड सम मनी एंड दे आर मूविंग अराउंड एंड 6-6 महीने करके अपना वो टाइम गुजार रहे हैं, दिस इज हाउ दे डू। सो दैट्स व्हाट इट इज। पर बाकी अगर मैं, मेरे मन में बस ये है कि अगर आपको वर्क परमिट मिल जाता है और आपके एक साल का एक्सपीरियंस बन जाता है, सो वी हैव अ गुड गुड स्ट्रैटजी टू मूव फॉरवर्ड एंड गेट अ नॉमिनेशन इन द ब्रिटिश कोलंबिया। आपको नॉमिनेशन मिल जाता है तो आपकी पीआर फाइल बन जाएगी, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है। हाँ, तो वर्क परमिट के लिए आप प्लीज देखना शुरू कर दें, और पीआर मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को 3 साल लगे 4 साल लगे, आई एम नॉट वरीड, बट what I need is to stay here. If I go, this society will be dismantled. Oh, is that right? Okay. ठीक है करते हैं। Thank you very much. आज के लिए इतना बहुत है। So I'll be in touch with you and I'll talk to your friend as well. Yeah, you please see the papers, and if you need anything else for my work permit, you please let me know, or please let Shambhuda know.
Everything is at hand. I can send within minutes. Yeah. Okay. Thank you. Take care. Thank you, sir. Bye. Thank you so much for your time and valuable insight. But it's up to you now to do it. We can only pray that everything goes smoothly. And let us not think anything negative at this point, I'm thinking. Yeah, we have a positive thinking. We want Swamiji here and we have a faith on you. I know that. You will do it. Okay, 100%. Thank you. Thank you. Okay.